हाय फ्रेंड्स, राज सागर चौधरी दिल्ली से, आरएस ग्रीन ट्रक्स। दोस्तों, ये चमचमाती हुई गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो 4225 आती है। 14 टायर का ट्रक है ये, टाटा मोटर्स का। BS6 एमिशन नॉर्म्स में है ये, डीजल वाहन है ये। देखिए, चेकर प्लेट आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार गाड़ी है, बहुत अच्छे से बिल्डअप की हुई है ये, बॉडी बिल्डर ने बहुत अच्छे से बनाई है। और ये आप अभी आपने पटे कमानी आप देखेंगे, और ये टायर्स की तरफ आप देखिए, बहुत अच्छे से बनाई गई है गाड़ी, बहुत सुंदर गाड़ी है, तभी हमने आपको इसको दिखाने का सोचा है। ये एड ब्लू टैंक आप देख रहे हैं, और पेंट की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। बॉडी का हम आपको दिखा रहे हैं, बॉडी मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से आज मेन विशेष रहेगा। तो दोस्तों, ये टायर्स 14 टायर का ट्रक है, चेसिस आप देख रहे हैं, लिफ्ट एक्सल आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इसके एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो इसके इंजन है, क्लच है, गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल सिस्टम है पूरा, प्रोपेलर शाफ्ट है, तो ये सारी ड्राइव लाइन होती है। तो एक GVW की बात करते हैं, तो 42,000 kg इसका GVW है दोस्तों, ग्रॉस व्हीकल वेट। और इसका जो पेलोड है 32 टन ये पास करती है। जहां तक इसके इंजन की बात है, तो ISBE 6.7 लीटर क्यूमेंस का इसमें इंजन है। और दोस्तों, इंजन पावर की अगर हम बात करें तो 250 HP यानी 250 HP का हॉर्स पावर का इसमें इंजन है, एट 2300 RPM। तो इस तरह के बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, सारी तो हम नहीं बताते हैं, मेन मेन होती है वो हम शेयर करते हैं। तो ये पिछला हिस्सा है दोस्तों गाड़ी का, लकड़ी के इसमें फट्टे लगे होते हैं, और पीछे से बहुत शानदार बनाई हुई है, बहुत मजबूत गाड़ी है ये, 14 टायर की गाड़ी है ये। अलग अलग लेंथ में आती है 14 टायर की गाड़ी टाटा की, ये 27.5 में भी आती है, और ये 32 फुट में भी आती है, लगभग 32 फुट में, थोड़ा कम रहती है, 31.7। तो अलग अलग लेंथ में आती है गाड़ियां ये। तो 14 टायर का ट्रक है ये काउल चेसिस है, तभी इसके पीछे ओपन बॉडी फैब्रिकेट की गई है। तो अगर हम इसकी टॉर्क की बात करते हैं, तो 950 न्यूटन मीटर है एट 1000 से 1800 आरपीएम पर, 10/2 है गाड़ी ये। व्हील बेस की बात करते हैं, 6750 इसका व्हील बेस है दोस्तों। अलग अलग लेंथ में आती है, जैसे मैंने बताया, 30 में भी आती है, 32 में भी आती है फुट में। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, तो ये कॉमन रेल है। तो फ्यूल टैंक इसमें आता है इस गाड़ी के साथ, फ्यूल टैंक की अगर बात करें, कैपेसिटी की हम बात करते हैं, तो फ्यूल टैंक इसमें 300 लीटर और 365 लीटर का भी आता है। तो हैवी चेसिस फ्रेम आप देख रहे हैं, ये देखिए, और बेल क्रैंक सिस्टम है, लिफ्ट एक्सल असेंबली है सारा, प्रोपेलर शाफ्ट है, ये सब आप देखते होंगे, और डिफरेंशियल है, हैवी चेसिस फ्रेम है, ड्यूल कहीं कहीं ट्रिपल चेसिस फ्रेम भी होता है, लेयर होती है उसमें। पॉलीमर फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, साइलेंसर, ये सब। कुल मिला के गाड़ी ये बहुत अच्छी होती है, और इसकी माइलेज है करीब 3 से लेकर 4 का इसका अप्रोक्सीमेट माइलेज रहता है। माइलेज डिपेंड करता है उस पर, ड्राइवर की हैबिट पर और रोड कंडीशन पर करता है, और हिल साइड पर तो गाड़ी नहीं चल रही है, तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है माइलेज। माइलेज का हम कभी गारंटी किसी भी गाड़ी का नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमने बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं, अभी 32 टन पास करती है ये। तो हम अपना भी कुछ इसमें शेयर बताते हैं आपको, कि भाई अगर आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू आपको अपनी कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं आप। आप अपना वीडियो शूट करिए और हमको भेजिए, वीडियो की क्वालिटी ठीक लगेगी तो हम उसको जगह अपने चैनल पर जगह देंगे। और अगर कोई अपने लिए आप गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो गाड़ी हमसे आप खरीद भी सकते हैं, पुरानी गाड़ी, जो भी हम बात करें पुरानी गाड़ियों की कर रहे हैं दोस्तों। हमारा मेंबर बनकर लाभ उठा सकते हैं, पूरे साल तक आप गाड़ियां खरीद सकते हैं हमसे, पुरानी गाड़ियां। आपको पुरानी गाड़ियों की भी अगर जरूरत होती है, ट्रकों की, हैवी कमर्शियल व्हीकल हम मेन करते हैं और बाकी की कम करते हैं। पुरानी गाड़ियां मेंबर बनके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और पुरानी गाड़ियां हमारे से आप खरीद सकते हैं। जो कुछ हमारे भाई होते हैं जो कि ट्रक सेल परचेज का काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, वो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, उनको हम समय पर और जितना जल्दी हो सकेगा उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी हो वो तलाश करके दिलवा दी जाएगी, बशर्ते आपको मेंबर बनना पड़ेगा। फ्री में मेरे यहाँ कुछ नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है,
बिल्कुल आस न लगाएं, उम्मीद न लगाएं। फोटोग्राफ्स हम भेज सकते हैं लेकिन लंबे समय तक फोटोग्राफ्स भी हम नहीं भेज पाएंगे। हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और पेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं को हम गाड़ियां दिखाते हैं अपनी, अपने जो हमारे सर्किल में होती हैं। तो दोस्तों अब फ्रंट एलिवेशन पर हैं आप, बहुत शानदार कलर कॉम्बिनेशन दिया है इस बॉडी का। ये हेडलाइट देख रहे होंगे आप, ड्यूल हेडलाइट होती है और येलो कलर का यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। चेकर प्लेट आप देख रहे हैं सिल्वर की। तो अलग अलग तरह की गाड़ियां हमारे चैनल पर आती हैं और आप भी देखते रहिए हमारे चैनल को। ये आरएस ग्रीन व्लॉग्स का चैनल है, आप इसको दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको ठीक लगता है कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसको आप अपनी गाड़ी बिकवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गाड़ी अपनी बिकवा भी सकते हैं हमको और हमसे, हमारे द्वारा आप खरीद भी सकते हैं, हमारी टीम काम करती है इस पे। तो आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा हम चाहते हैं, तो पुरानी गाड़ियों के लिए स्पेशली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए गाड़ी से संबंधित, कुछ हम हमारा असिस्टेंस चाहिए या कुछ हमारे से आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। तो हमारा नाम है राज सागर दिल्ली से और आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 9560-740-112। ये केबिन के अंदर का हिस्सा है, बहुत साफ सुथरा केबिन है। तो देखते रहिए आरएस ग्रीन व्लॉग्स। अभी आपको इसकी आवाज भी सुनाई देगी इंजन की। तो दोस्तों ये थी टाटा 4225 की 250 हॉर्स पावर का इंजन होता है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और इसकी बॉडी की कुछ डिटेल्स भी हमने दी हैं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आपको इस गाड़ी का इंजन की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, आप इसमें एंजॉय करिए और देखते रहिए आरएस ग्रीन व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।